हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम वेक्टर में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिख लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इधर हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो उधर हमारा आ रहा था तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा था, बट इधर हमारा क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने डिफाइन किया, लेट से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना, और एक और वेक्टर डिफाइन किया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है ना। दिस टू आर व्हाट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला कि ये दोनों डिफरेंट हैं, क्यों डिफरेंट हैं वो भी समझाऊंगा अभी। ये दोनों डिफरेंट हैं, इस यही एक रीज़न है कि मैंने पहले तुम्हें बताया था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट डिफाइंड। सुनना, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स दैट वील सी, ये एक अलग वैक्टर आएगा, ये एक अलग वैक्टर आएगा। यही रीज़न है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमें पहले क्रॉस किसका लेना है इसमें, क्योंकि इधर ब्रैकेट नहीं लगा है। तो ब्रैकेट इज नेसेसरी इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स, क्योंकि अगर इधर ब्रैकेट लगा होगा देन दिस इज अ डिफरेंट वैक्टर, इफ इधर ब्रैकेट लगा होगा देन दिस इज अ डिफरेंट वैक्टर। तो देयर फोर द रीजन इज फॉर नॉट डिफाइनिंग दिस इज दिस ओनली, कि भाई ब्रैकेट किधर है, क्योंकि ब्रैकेट जब तक नहीं पता होगा वी कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, तो जैसे मान लो कभी तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि जैसे तीन चार ऑप्शन दे दिए, फिर बोला कि विच ऑफ द क्वांटिटीज इज अनडिफाइंड। तो अगर एक ऑप्शन में मान लो ऐसे दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट नहीं दिया है कहीं भी, तो योर आंसर इज दिस ओनली, बिकॉज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट डिफाइंड अनटिल अनलेस ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसके एक्सपेंशन पे। तो देखो, एक तो हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक बार शॉर्टकट बताऊंगा। देखो क्या लिखना है, नहीं तो एक काम करता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, पहले ये करता हूँ फिर नीचे वाला। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मिनट के लिए बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा, इसको मैंने मान लिया लेट्स से डी वेक्टर, तो मेरा ये क्या लिखा है ए क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है ना, मैंने एक मिनट के लिए इसको बी क्रॉस सी को डी मान लिया, तो ये मेरा क्या लिखा है ए क्रॉस डी। अब मुझे पता है ए क्रॉस डी क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर है ए के और डी के, समझ में आ रहा है। मैंने कहा सिंपली फॉरगेट अबाउट बी क्रॉस सी, जस्ट फोकस ऑन ए क्रॉस डी। मैंने कहा ए क्रॉस डी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड डी, करेक्ट। अच्छा, अब डी है क्या मेरा, बी क्रॉस सी है। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। लेट्स से दिस इज माय सी वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज माय बी वेक्टर, ठीक है ना। लेट्स से ये किसी प्लेन में है, तो मैं प्लेन बना देता हूँ, दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड जिसके अंदर मेरे ये दोनों वैक्टर्स हैं। ठीक है, बी एंड सी वैक्टर्स आर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैंने बोला वॉट इज बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हमें पता है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इन विच बी एंड सी लाइज। तो लेट्स से दिस इज अ वेक्टर विच इज बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। ठीक है, अब बी क्रॉस सी को मैंने क्या बोला था, डी बोला था। देखो ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखना ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि जो डी वेक्टर है दैट इज बी क्रॉस सी, करेक्ट। अब मैं ए क्रॉस डी को बता रहा हूँ कहाँ लाई करेगा पहले, ठीक है ना। तो ए क्रॉस डी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड डी, और ये मेरा डी वेक्टर है। अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि जो हमारा ये वाला वेक्टर आने वाला है, लेट्स से मैं इसको ई बोल देता हूँ, ई वेक्टर, जो ई वेक्टर है बेसिकली वो डी के परपेंडिकुलर है। और अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि डी के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर्स होंगे ना, डी के परपेंडिकुलर वॉट एवर वैक्टर, दे ऑल विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी ओनली। देखो क्या हो रहा है सिनेरियो, एक मिनट पेन से बताता हूँ। मैंने कहा लेट्स से दीज टू आर माई बी एंड सी वैक्टर, राइट, ऐसे बताता हूँ दीज टू आर माई बी एंड सी वैक्टर्स। तो इसने इन दोनों ने एक प्लेन डिफाइन कर दिया, तो उससे मेरे को बी क्रॉस सी तो एक ये मिल गया परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दिस इज वॉट, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज बी क्रॉस सी, करेक्ट। तो बी क्रॉस सी जो है मेरा वो डी मैंने बोला है, करेक्ट, इसको मैंने डी वेक्टर बोला। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस डी जो होगा वो डी के परपेंडिकुलर होगा, तो इस ब्लैक वाले मार्कर के, इस ब्लैक वाला वेक्टर जो हमारा वेक्टर बी क्रॉस सी है, मतलब डी है, इसके परपेंडिकुलर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी वेक्टर होंगे ना, दे ऑल विल लाई इन अ प्लेन, कौन सा प्लेन, जिसमें बी ओ सी लाई कर रहे हैं। बिकॉज मान लो तुमने वेक्टर ये बोला, वेक्टर को तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिर मैं इस प्लेन के अंदर लेके आ गया। तो और हमने पहले भी एक बार इनिशियल में पॉइंट्स टू रिमेंबर्स में बताया था कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दे आर इनफाइनाइट वेक्टर्स एंड ऑल दोज वेक्टर्स विल लाई इन अ प्लेन। दोबारा एक बार मैंने बोला, दुनिया में कोई भी एक वेक्टर ले लिया मैंने, लेट्स से दिस इज ब्लैक वेक्टर, फिर मैंने बोला कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर देर आर इनफाइनाइट वेक्टर्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस, ऑल दीज इनफाइनाइट वेक्टर्स विल लाई ऑन अ प्लेन। और इधर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डी वेक्टर है
ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो डी के परपेंडिकुलर होगा, और डी वेक्टर मेरा क्या है, बी और सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो हमारा ए क्रॉस बी आने वाला है दैट विल बी इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू ए, वो तो है ही, ए क्रॉस डी तो ए के परपेंडिकुलर होगा, डी के परपेंडिकुलर होगा, बट सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू डी देयरफॉर इट विल लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो लिख लो इसको, ये जो हमारा वेक्टर आएगा, जस्ट अ सेकंड, ये जो हमारा वेक्टर आएगा दिस वन विल लाई, लिख लेना इसको, विल लाई इन द प्लेन, क्योंकि मैं ये फैक्ट यूज करूंगा इसके डेरिवेशन के लिए कि जो हमारा ये वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, दिस इज विल लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। जो ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी लिखा है इसको याद कर लो, वैसे मैंने समझा दिया है बट नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मेमोराइज दिस थिंग कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है दैट विल लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी। चलो फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने बोला पहले हमारे पास बी और सी एक प्लेन में थे दैट इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, बी क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर है दैट इज वेक्टर डी। अब जो मेरा ए क्रॉस डी है मुझे पता है ए क्रॉस डी इज व्हाट परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड डी, अब मैं बोल रहा हूँ कि डी के परपेंडिकुलर जो भी इनफाइनाइट वेक्टर्स होंगे दे विल ऑल लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी, हेंस माय ए क्रॉस डी विल लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी। परफेक्ट बात हो गई, चलो यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। अब मैंने बोला इसको डायग्राम बना लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि जैसे मान लो कोई वेक्टर है और लेट्स से कोई भी, मैंने दो वेक्टर लिए इस प्लेन ऑफ बोर्ड लेट्स से बी और सी, और फिर मुझे पता है कि अगर इस बोर्ड के प्लेन में अगर मैं कोई भी वेक्टर लूँ, लेट्स से मैंने ये वेक्टर लिया, लेट्स से दिस इज माय कोई भी वेक्टर, लेट्स से मैंने इसको ई बोला, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा ई वेक्टर है ए क्रॉस डी वो बी और सी के प्लेन में आ रहा है, तो लेट्स से इट इज समवेयर हियर। तो नाउ वी नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स कि सिंस ई लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी देयरफॉर आई कैन राइट ई एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। क्या बोला दोबारा, ई जो है वो बी ओ सी के प्लेन में लाई कर रहा है, इसलिए आई कैन राइट वेक्टर ई एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। समझ में आया कैसे स्टार्ट किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने ये प्रूफ किया कि जो वेक्टर ई है फाइनली हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट विल लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ कि हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि अगर मान लो बी और तीन वेक्टर्स हैं लेट्स से ई बी सी और ई ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो मैं कोई भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, एंड वी नो नाउ ई वेक्टर जो है बी और सी के प्लेन में है, हेंस आई कैन राइट ई एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो लिख लो, ई कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, वैक्टर बी एंड वैक्टर सी। क्लियर हुआ कि ई वैक्टर जो है हमारा बी ओ सी के प्लेन में लाई कर रहा है, देयर फोर आई कैन राइट एट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी वैक्टर। क्लियर हुआ, चलो अब इसको कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा दो चीज़ें हो गई, ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है दिस इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, देयर फोर इट विल आई कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए और बी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, लैम्डा टाइम्स, लेट्स से मैंने लैम्डा यूज किया स्केलर, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस लेट्स से म्यू टाइम्स वेक्टर सी। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। मैंने पहले क्या प्रूफ किया था, जो मेरा ये वाला वेक्टर है ई वेक्टर जिसको मैंने बोला था ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर माय स्केलर, ठीक है ना। चलो अब मेरा टास्क क्या है, लैम्डा और म्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ ए बी सी ऑफ कोर्स। कैसे प्रोसीड करें, तो देखना ये मैंने क्या बोला, लेट्स से दिस इज व्हाट ए क्रॉस जो मैंने इसको बोला था डी वेक्टर बोला था, ठीक है, दिस इज माय लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी। देखो डेरिवेशन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी इसको, वैसे ठीक है ना, रिजल्ट तो याद रखना ही है बट डेरिवेशन भी अगर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या करूँ, डेरिवेशन के लिए मैंने क्या किया, इस वेक्टर इस पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। ऐसा समझ में आएगा क्यों ले रहा हूँ, मैंने कहा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए ऑन बोथ द साइड। तो देखो अब ए क्रॉस डी ये क्या है, बेसिकली ए क्रॉस डी एक वेक्टर जो ए और डी के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी बोथ। तो अगर मैंने ए के साथ डॉट लिया एंड वी नो दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए,
तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो. हेंस इन द एलएचएस व्हाट आई विल गेट? जीरो. क्लियर हुआ कि ए क्रॉस बी जो है ए के परपेंडिकुलर है, और मैं अगर डॉट ले रहा हूँ ए के साथ, तो ए डॉट विथ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए, आंसर विल बी जीरो. अब इधर देखते हैं, इधर आया लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए प्लस म्यू टाइम्स सी डॉट ए. समझ में आया नहीं? ठीक है ना, लैम्डा बी ये वेक्टर लगा लेना, लैम्डा और म्यू मेरा स्केलर है, लिख लो पहले इधर, लैम्डा कॉमा म्यू आर स्केलर क्वांटिटी, लैम्डा एंड म्यू आर माय स्केलर क्वांटिटी. आई होप समझ में आया होगा. अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. तो जो क्या लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स सी डॉट ए. अब इसको थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ मैं, देखना. मैंने लिखा लैम्डा डिवाइडेड बाय सी डॉट ए इक्वल्स टू माइनस म्यू डिवाइडेड बाय बी डॉट ए. और मान लिया एक मिनट के लिए ये कुछ तो है, लेट्स से कोई भी पैरामीटर ले लो, लेट्स से लैम्डा म्यू और लेट्स से टी ले लिया मैंने, लेट्स से दिस इज इक्वल टू टी. करते हैं ना हम, जैसे दो क्वांटिटी इक्वल है इसको तीसरे के बराबर कर दिया, मतलब मान लो ये दोनों क्वांटिटी टी के बराबर है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आई विल गेट, लैम्डा इज इक्वल टू टी टाइम्स सी डॉट ए एंड म्यू इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स बी डॉट ए. इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, गेटिंग इट? मेरे को लैम्डा और म्यू मिल गए इन टर्म्स ऑफ टी. अब अननोन केवल टी रह जाएगा मेरा. पहले तो मेरे अननोन लैम्डा और म्यू दो थे, अब मैंने दोनों लैम्डा और म्यू को टी के टर्म्स में लिख लिया. तो अल्टीमेटली अब मैं क्या करूँगा, दीज लैम्डा एंड म्यू आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, सो दैट मेरा जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है दैट विल कम इन सिंगल पैरामीटर टी, सिंगल पैरामीटर टी में आ जाए. फिर टी भी निकालेंगे, अभी टी भी बताऊंगा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी पैरामीटर हियर, आई वॉन्ट ओनली ए बी सी का कॉम्बिनेशन इन दिस एक्सप्रेशन इन आर एच एस ऑफ दिस. मतलब मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी को केवल और केवल ए बी सी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. आई डोंट वॉन्ट लैम्डा म्यू टी वगैरह. तो एटलीस्ट दो वेरिएबल से एक वेरिएबल तो रिड्यूस हुआ अभी हमारा, तो लिख लेते हैं उसको. तो फाइनली वी आर गेटिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू टी सी डॉट ए, ये तो स्केलर हो गया सी डॉट ए, इंटू वैक्टर बी और म्यू की जगह माइनस टी बी डॉट ए टाइम्स वैक्टर सी. देखो ये हो गया. अब पहले टी कॉमन ले लिया, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, टी कॉमन लेके लिख लिया. नाउ यू आर गेटिंग वेक्टर बी टाइम्स सी डॉट ए माइनस वेक्टर सी टाइम्स बी डॉट ए. देखो बहुत अच्छी चीज़ आ गई हमारी. अब हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस टी टाइम्स दिस वेक्टर. अब मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है. तो नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी. अब मैंने तो एक जनरल वेक्टर लिए थे ए बी सी, कुछ भी हो ये एल एच एस और आर एच एस बराबर है, तो अब मैं ए बी सी को कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ भी से मेरा मतलब आई जे कोई भी वेक्टर डाल सकता हूँ, कोई भी एक पेयर डाल दिया और लैम्डा टी की वैल्यू निकाल ली. तो लेट्स से मैंने ए को रखा आई कैप, बी को रखा आई कैप और सी को रखा जे कैप. कोई बोलेगा सर यही क्यों रखा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अलग रख लो, इसको आई ले लो, इसको जे ले लो, इसको आई ले लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं इधर सब्सटीट्यूट करूँ तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उससे तो मैं टी थोड़ी मिलेगा. हमें इस टाइप से सब्सटीट्यूट करना है कि नॉन जीरो क्वांटिटी आ जाए. देखो अभी डाल के देखते हैं हम कैसे. तो बिफोर दैट वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से. चलो ठीक है. तो अब मैं ए को इधर मैं आई रख रहा हूँ, ए को आई रखा, तो एल एच एस क्या बना, आई कैप क्रॉस विद बी को आई कैप क्रॉस जे कैप सी को इज इक्वल टू टी टाइम्स सी डॉट ए. तो सी डॉट ए क्या हो जाएगा, सी डॉट ए आई डॉट जे जीरो हो जाएगा ये तो, माइनस बी डॉट ए बी डॉट ए. तो बी डॉट ए आई डॉट आई इज वन, तो बी डॉट ए इज वन, तो माइनस सी आया तो माइनस सी, और सी को मैंने जे बोला है तो ये थी माइनस जे. गेटिंग इट? क्या रखा मैंने, ए बी सी को इसमें रख दिया बस. अब आई क्रॉस जे कितना होता है, तो आई क्रॉस जे इज ए, हमने पढ़ा था, जैसे मैंने ऐसे याद करवाया था तुम्हें. लेट्स से ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे, और उल्टा चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब मैं आई क्रॉस जे क्या बोलूँगा, आई क्रॉस जे इज के. तो मेरा इधर क्या आया, आई क्रॉस और ये हो गया के कैप, तो के कैप इज इक्वल टू माइनस जे टाइम्स वेक्टर टी, सॉरी वेक्टर टी नहीं, टी इज ए स्केलर, माइनस जे कैप इंटू टी. अब आई क्रॉस के क्या होगा, देखो के क्रॉस आई तो जे होता है, बट मैं उल्टी डायरेक्शन मूव करूंगा, आई क्रॉस के इट विल बी माइनस जे. याद रखना जल्दी जल्दी में जे मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा. तो मैंने क्या करूंगा इसको, माइनस जे, तो माइनस जे इज इक्वल टू माइनस जे टाइम्स टी. तो जे से जे क्या, माइनस से माइनस गया, यू आर गेटिंग टी इज इक्वल टू वन. ठीक है ना, यू कैन ट्राई विथ एनी अदर कॉम्बिनेशन, यू विल गेट टी इक्वल टू वन.
ठीक है ना, यू विल गेट टी इक्वल्स टू वन एनी कॉम्बिनेशन। बट हाँ ये हो सकता है तुम्हारा गलती से कि दोनों जीरो इजिकल टू जीरो आ जाए। देखो हमारा क्या हुआ, जीरो इजिकल टू जीरो नहीं आया ना, बस इतना याद रखना कि वेक्टर ऐसे लेना है कि जीरो इजिकल टू जीरो ना आए, नहीं तो टी नहीं आएगा ना हमारा, फिर टी जीरो से मल्टीप्लाई होगी जीरो हो जाएगा वो। तो फाइनली आई विल पुट टी हियर एंड द रिजल्ट फाइनल आंसर इज माय ए क्रॉस। अभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे हम याद रखेंगे, बट अभी के लिए लिख लो इसको वेक्टर बी सी डॉट ए माइनस वेक्टर सी, और सी के साथ आएगा ए डॉट बी। दिस इज व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, सी डॉट ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए बी ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर सी। लगेगा कि ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, याद कैसे रखें, अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, हाउ टू मेमोराइज इट, ठीक है ना। तो बिफोर दैट वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, कॉपी करना एक एक पॉइंट। चलो अब देखना मैं शॉर्टकट कैसे बता रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। अब मुझे बताएं कि मैंने ये तो देख लिया कि बी ओ सी के प्लेन में आएंगे तो बी ओ सी का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, जो बीच में वेक्टर है ना, बीच में जो वेक्टर वेक्टर बीच में कौन सा है, बी वेक्टर है, तो पहले बी लिखूं और फिर मुझे पता है कि इस बी ओ सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आने वाला है, तो फिर बी माइनस सी लिखूं, माइनस वेक्टर सी, ठीक है ना। जैसे चलो मैं पहले ये भी लिख लेता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस विथ सी, ये भी लिखूंगा, तो बीच में कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो अगेन आई विल राइट बी माइनस, और फिर मुझे पता है ए और बी के लीनियर, ये इधर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस इज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, जैसे ये प्लेन ऑफ बी और सी आया था, ये क्या होगा, इन अ प्लेन ऑफ ए एंड बी, इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, और ये क्या था, इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, क्लियर है। तो अब ये ए और बी के प्लेन में आ रहा है, तो क्या होगा, ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन, बी तो मैं लिख चुका हूँ, तो व्हाट यू लेफ्ट आउट इज ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला, अब जब बी लिख दिया इधर, तो बचे हुए दो वेक्टर्स का डॉट ले लो, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ ए एंड सी, तो यू विल राइट हियर ए डॉट सी विच इज ए स्केलर, ये स्केलर इनटू वेक्टर लिखा है, जैसे ये टू लिखा है, ये वेक्टर बी लिखा है, टू बी लिखा है, जैसे फिर इधर सी लिख दिया, तो बचे हुए दो वेक्टर कौन से, ए डॉट बी, तो ए डॉट उन दोनों का डॉट ले लिया, इधर वेक्टर बी हो गया, तो बचे हुए कौन से, सी डॉट ए, तो सी डॉट ए, इधर वेक्टर ए लिख दिया, तो बचे कौन से ए बी और सी, तो बी डॉट सी, हैंस गेटिंग इट, कैसे लिखा मैंने, तो याद रखना है कैसे मैंने इसको तुमको मेमोराइज करवाया, ठीक है ना, अदरवाइज डायरेक्टली यू विल इफ यू विल ट्राई टू मग अप इट इज़ नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली अभी तो याद हो जाएगा, 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, बट ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x क्रॉस y क्रॉस z, तो कैसे करेंगे, y और z पे ब्रैकेट लगाए, तो y और z का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना, y और z का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और बीच में y वेक्टर है, तो पहले y लिखेंगे, y माइनस z, ठीक है, फिर मैंने बोला y लिख दिया, तो बचा हुआ कौन सा, x और z, तो x डॉट z, अभी हम करने वाले हैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब उधर z लिख दिया, तो बचा हुआ कौन सा, x और y, तो x डॉट y, कोई भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा अल्फा क्रॉस बीटा क्रॉस गामा, तो बीच में कौन सा वेक्टर है, बीटा, तो बीटा, अब मुझे पता है ब्रैकेट अल्फा और बीटा में लगा है, तो अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन, देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा टाइप चीज होगी, अब वेक्टर बी बीटा यूज हो गया, तो कौन से बचे, अल्फा और गामा, तो गामा डॉट अल्फा या अल्फा डॉट गामा, और अल्फा ले लिया, तो बीटा और गामा बचे, तो बीटा डॉट गामा, आई थिंक सफिशिएंट है इतना बोलना, क्लियर हुआ। तो दिस इज द वे यू हैव टू मेमोराइज, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे याद नहीं रखोगे ना तो पक्का भूल जाओगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, उसके बाद वी विल मूव टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा एक जो इसको पूरा और लिख लो एक बार, जैसे मैंने लिखा था ना अभी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में लिख लेते हैं हम, क्या लिखा है ये, दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू ए, बिकॉज ये ऐसा था ना, मैंने ऐसे लिखा था ए क्रॉस डी, तो एक इसको डी मान लिया था एक मिनट के लिए, तो ये ए क्रॉस डी क्या है, ए और डी के परपेंडिकुलर है, डी के परपेंडिकुलर है इसलिए वो बी और सी के प्लेन में आ गया, बट ए के परपेंडिकुलर तो है ही ना, क्योंकि ए क्रॉस डी है, तो मैं इसको फाइनली क्या लिख रहा हूँ, दिस इज अ वेक्टर लिख लेना, दिस इज
अ वेक्टर इन द प्लेन प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अल्फा क्रॉस गामा क्रॉस डेल्टा, तो क्या बोलूंगा, दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ गामा एंड डेल्टा एंड परपेंडिकुलर टू अल्फा. तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन देगा वो तुम्हें एग्जाम में, मेंस में वो तीन वेक्टर दे देगा ए बी सी, फिर बोलेगा एक वेक्टर चाहिए मुझे और विच इज इन द प्लेन ऑफ बी एन सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो यू हैव टू राइट ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, और फिर वो मैग्नीट्यूड दे देगा, तो उससे मतलब हम जनरल वेक्टर कहेंगे लेकिन लैम्डा टाइम्स दिस, जैसे मैंने बोला ऐसे लिखो वेक्टर इन द लेट्स से प्लेन ऑफ लेट्स से आर एस टी लिख के टर्म्स में लिख लेता हूँ, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर एस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर टी, ऐसे लिखा मैंने. तीन वेक्टर है आर एस टी, मैंने कहा एक वेक्टर चाहिए मुझे एक जनरल वेक्टर, ऐसे लिखो जनरल वेक्टर, एक जनरल वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा लैम्डा टाइम्स लैम्डा विल टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर इन अ प्लेन ऑफ आर एंड एस परपेंडिकुलर टू टी, तो क्या आएगा टी क्रॉस और आर और एस के प्लेन में इसलिए आर क्रॉस एस ब्रैकेट में आएगा, तो दिस इज वॉट माई जनरल वैक्टर, कौन सा वैक्टर जो आर और एस के प्लेन में है टी के परपेंडिकुलर, गेट इट, टी के परपेंडिकुलर आर और एस के प्लेन में, गॉट इट. चलो आगे और बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, ठीक है, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है. चलो एक और, अब मैंने ऐसे लिखा देखना ध्यान से, मैंने कहा ए क्रॉस बी, अब इसी लॉजिक से क्या बोलूँ मैं, अब मैंने इंस्टेड ऑफ तीन वेक्टर दो ही वेक्टर ले लिए ए और बी, उसका कॉम्बिनेशन ऐसे लिख दिया, तो मुझे तो ये पता है कि ये इसके प्लेन में होगा इसके परपेंडिकुलर होगा पहले वाले, तो वही चीज़ होगी, तो दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. जैसे कैसे होगा, जैसे मैं डायग्राम से बताता हूँ, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा वेक्टर बी है ये मेरा वेक्टर ए है, लेट्स से दिस इज द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो मुझे बी इसी प्लेन के अंदर एक वेक्टर चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू ए, तो क्या हो जाएगा मेरा सिंपली लेट्स सी दिस दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए, दिस इज दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, गेटिंग इट. अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा बी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए और बी के प्लेन में बट बी के परपेंडिकुलर, ए एंड बी के प्लेन में एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो बी के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ तो होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला वेक्टर ये होगा, गेटिंग इट, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी परपेंडिकुलर टू बी, ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, आई थिंक ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया मैंने, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कॉपी करना इसको, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, क्योंकि इससे ना क्रॉस प्रोडक्ट से थोड़े दिखने में क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, वो होते आसान ही है, हम देखेंगे आज की क्लास में, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, सो बट अगर कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो नहीं छूटेगा इसका क्वेश्चन तुमसे डेफिनेटली. चलो मैंने कहा नेक्स्ट, नाउ वी विल प्ले विद इट, जैसे मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा ए क्रॉस बी डॉट विथ सी क्रॉस डी, इसका भी आखिरी का जो रिजल्ट आने वाला है वो मेमोराइज करेंगे, तो इसको कैसे हम रिजॉल्व करें देखना ध्यान से, मतलब इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, तो देखो क्या किया अपन ने एक मिनट के लिए, और जो मैं प्रोसीजर ही बता रहा हूँ यू कैन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन मेक इट जनरलाइज ऑल्सो, क्या करेंगे हम लेट से मैंने इसको मान लिया एक मिनट के लिए ये वैक्टर ई है, ये वैक्टर ई है, तो मेरा क्या लिखा हो गया देखना ध्यान से, मैंने लिखा ए क्रॉस बी डॉट विथ वैक्टर ई, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, दिस इज वॉट एस टी पी, किस किस का ऑफ ए बी एंड ई, ए बी एंड ई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमने कल पढ़ा था, एस टी पी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी ई. अब मुझे पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस ई, देखो ऑफ कोर्स वेक्टर ब्रैकेट इधर हो जाएगा, ये कैसे आया लिख लो इधर डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज,
और अब आज की क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ अभी तक का सिलेबस आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तुम्हारे जो संडे को टेस्ट हो रहा है कल उसमें आने वाला है, ठीक है। चलो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो गया, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज से आया हमारा इससे, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ई को दोबारा बैक सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। मैंने ई किसको माना था, बिकॉज फाइनली ई तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ना वेक्टर, फाइनली आई वांट द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, तो मैंने क्या किया दोबारा ई को उठा के इधर रख दिया। तो व्हाट यू विल गेट, देखो ध्यान से, ए डॉट विथ, मैं ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, बी क्रॉस विथ, और ई मेरा है सी क्रॉस टी। गेटिंग इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, इसको याद कर लेना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इस डॉट की जगह इधर क्रॉस भी लेने वाले हैं, सेम वे वी विल प्रोसीड। चलो अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आसान हो गई चीज़। द रीज़न इज ये तो अभी हम पढ़ के आए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स, दिस इज वॉट, ये एक वेक्टर ए अलग है, उसका डॉट लेना इस बड़े वेक्टर के साथ, और ये बड़ा वेक्टर क्या है, दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ सी एंड डी परपेंडिकुलर टू बी। तो इसको तो जैसे अभी अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट ओपन किया था वैसे कर देते हैं, तो ये हो गया ए डॉट ब्रैकेट में, देखो क्या ले रहा हूँ, सी ओ डी के प्लेन में बीच में कौन सा है सी, तो सी माइनस डी, ऐसे याद करवाया था अभी। चलो अब सी यूज हो गया तो कौन सा बचा, बी ओ डी, तो बी डॉट डी, डी यूज हो गया तो इधर क्या बचा, बी डॉट सी। अब ये तो बी डॉट डी तो एक स्केलर है, ऐसा लिखा है ए डॉट टू टाइम्स वेक्टर सी माइनस फाइव टाइम्स वेक्टर डी, तो अब मैं डॉट को अंदर लेके जा रहा हूँ, मतलब ए डॉट ए को ए का डॉट इसके साथ और इसके साथ सेपरेटली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी तो स्केलर है, तो बी डॉट डी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी वेक्टर, दिस इज वॉट माई फाइनल आंसर दैट यू हैव टू मेमोराइज। वो दिख भी रहा है ना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, उनके बीच में डॉट लगा है, तो डेफिनेटली दिस इज वॉट है, इसके लिख लेना, दिस इज वॉट माई स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी मेरा दिख रहा है, ये एक नंबर है, डॉट प्रोडक्ट लिखा है, एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, माइनस ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी ओनली। अब याद कैसे रखोगे तुम, देखो याद रखने के लिए क्या करना है कि कैसे रखेंगे, देखो ए डॉट सी दिख रहा है, तो दोनों ब्रैकेट का पहला वाला वेक्टर है ना उसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए और सी का, तो ए डॉट सी, अब बचे हुए का, तो बचे हुए कौन बचे, बी डॉट डी माइनस, अब एक्सट्रीम वाला मतलब ए का, अब मैंने सी के साथ ले चुका हूँ ना, तो ए का डी के साथ, तो ए डॉट डी और बचा हुआ कौन सा, बी और सी, तो बी डॉट सी। कहते हैं वही चीज़ लिखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अल्फा क्रॉस बीटा डॉट विथ गामा क्रॉस डेल्टा, ठीक है, ये चार वेक्टर्स लिखे, तो व्हाट यू विल राइट, अभी क्या बोला मैंने, हर एक ब्रैकेट का पहला वाला, तो अल्फा डॉट गामा, तो अल्फा डॉट गामा, अब बचे हुए कौन से बचे, बीटा और गामा, तो उनका डॉट, गामा डॉट बीटा डॉट डेल्टा माइनस, अब एक बार अल्फा का गामा के साथ यूज हो चुका, तो अब अल्फा का डेल्टा के साथ, तो क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट डेल्टा इंटू बचे हुए बीटा डॉट गामा, सिंपल है, कोई हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल। सबसे पहले हमें, सबसे पहले कौन से लिखना, माइनस के पहले, पहले पहले वेक्टर का प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट, पहले पहले जो वेक्टर है, तो अल्फा डॉट गामा इंटू बीटा डॉट गामा माइनस, फिर एक्सट्रीम वाले अल्फा डॉट गामा बीटा डॉट गामा। आई होप क्लियर हुआ होगा, तो इसको तुम्हें याद रखना है, ऐसा नहीं कि उधर तुम ड्राइव करोगे एग्जाम में, नहीं, यू हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, और ट्रिक्स है जो मैंने बोला अभी, तो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगी चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेते जाना इसको। इसी में एक और लास्ट देखते हैं, ठीक है ना, इस लेक्चर के बाद तुम्हारा एक क्लास और रह जाएगा, और ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम दो क्लास, बाकी टॉपिक वाइज तुम्हारा रह गया वेक्टर इक्वेशन, और थोड़ा सा वो मैंने एक बार बोला था तुमको डाउट सेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स, तो वो थोड़ा सा है, वो तो हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेन पार्ट बचा हमारा वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, सो दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद फिर हम 3D स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज ए क्रॉस बी, अब मैंने डॉट लिया था, इधर मैं ले रहा हूँ क्रॉस, सी क्रॉस डी, दिस इज माई नेक्स्ट नोट, ठीक है ना, लास्ट नोट ऑन दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगेन अभी जैसे मैंने बोला था तुम्हें, इसमें अभी एक बार वीडियो पॉज करो, तुम लोग ट्राई करो, क्या करो, सी ओ डी को एक, सी क्रॉस डी को एक वेक्टर मान लो, जैसे उधर माने थे हम, इधर ई मान लो, तो मेरा क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस विथ ई, अच्छा इसको ऐसे भी मान सकते हैं, या फिर इसको ई मान लेते, ठीक है ना, दोनों से बता दूंगा, पहले मैं इसको ई मान रहा हूँ,
लेट्स से दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, इसको भी मान सकते थे, ठीक है, इसको भी मान सकते थे, अलग वेक्टर आएगा, ठीक है ना। देख देख कैसे ये दिख रहा है, यहाँ तक क्लियर है, मैंने सिंपल इसको वेक्टर ई माना। अब दिस इज व्हाट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी और ई, और ये तो मुझे ओपन करना आता है, कैसे करते हैं हम ओपन, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में कौन है ए और बी, तो ये क्या आने वाला है ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन, बीच में कौन सा है बी, तो बी पहले लिखा बी माइनस और फिर ए, यहाँ तक क्लियर है। और बचे हुए फिर अब क्या लिखते हैं, बी बी यूज हो गया इधर, तो बचा हुआ ए और ई, ए और ई का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट वेक्टर ई, सिमिलरली ए यूज हो गया इधर, तो बचा हुआ बी और ई, तो बी डॉट ई। बट फाइनल आंसर तो मुझे ए बी सी डी के टर्म्स में देना है, ई तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो आई विल बैक सब्स्टिट्यूट वेक्टर ई, तो क्या हो जाएगा ये ए डॉट विथ सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी टाइम्स वेक्टर बी, है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी माइनस बी डॉट ई, ई को मैंने सी क्रॉस डी लिया है, सी क्रॉस डी टाइम्स वेक्टर ए, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब देखना और मजेदार चीज, अब ये क्या लिखा है ए सी डी का बॉक्स प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप चीज लिखी ना, तो मैं इतने पार्ट को आई कैन राइट इट एज बॉक्स ऑफ ए सी डी, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी माइनस, सिमिलरली आई विल राइट दिस एज बॉक्स ऑफ बी सी डी एंड आई विल राइट हियर वेक्टर ए। सो इसको याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन मेमोराइज, मतलब यू कैन ड्राइव देन एंड देयर, मतलब एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है एक्सप्रेशन, बट अगर याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेक योर ओन वे ऑफ मेमोराइजिंग इट, आई विल नॉट टेल दिस हाउ टू मेमोराइज, तुम अपना तरीका से, ठीक है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि सर मैं इसको मान लेता ई, तो वैसे भी कर सकते, चलो एक और तरीके से बता देता हूँ, तो मैंने बोला कि अब मैं इसको ई मान रहा हूँ, तो ई क्रॉस सी क्रॉस डी, अब मैं क्या करूँगा, अगेन दिस इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ई सी डी एंड दिस इज इन द प्लेन ऑफ सी एंड डी, बीच में कौन सा लिखा है सी लिखा है, तो आई राइट सी हियर माइनस वेक्टर डी, अब सी यूज हो गया तो ई और डी बचे, तो ई डॉट डी, एंड डी यूज हो गया तो क्या बचा ई डॉट सी, अब ई को मैंने बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब इधर मैंने ई किसको माना है ए क्रॉस बी को, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट विथ डी दिस टाइम्स वेक्टर सी माइनस ई को फिर ए क्रॉस बी डॉट विथ सी टाइम्स वेक्टर डी, एंड फाइनली दिस इज अगेन बॉक्स ऑफ ए बी डी एंड दिस इज बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो फाइनल आंसर मेरे को क्या मिला, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बी डी टाइम्स वेक्टर सी माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स वेक्टर डी, दैट्स इट, दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस। तो इसको भी अगेन इफ यू वॉन्ट टू मेमोराइज यू कैन, बट ज़्यादा यूज नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो अगर आ भी जाता है क्वेश्चन तो यू कैन ड्राइव देन एंड देयर, वो कब होगा डेरिवेशन, जब तुम्हें अभी एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, तो मेरी मानो तो वीडियो पॉज करो, जो तीनों डेरिवेशन है ना हमारे कौन कौन से, एक तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये तुम करो, दूसरा करो ए क्रॉस बी डॉट विथ सी क्रॉस डी ये दूसरा, और तीसरा ए क्रॉस बी क्रॉस विथ सी क्रॉस डी, ये तीनों डेरिवेशन वीडियो पॉज करके तुम खुद से एक बार ट्राई करो, डेफिनेटली बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा, ठीक है ना, और नहीं आता है, अटकता है तो वीडियो तो है ही तुम्हारे, डेराइव तो मैंने करवाया ही है, ठीक है ना, उससे कॉपी उससे देख लेना, ठीक है ना, कहीं अटकते हो और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डाउट सेशन में पूछो मुझसे, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया अपना पूरा थियोरेटिकल पार्ट वी हैव कवर्ड फॉर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स, ओके, तो इसको कॉपी करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, मज़ा आएगा, और अगेन जो मैं बोलूँ नहीं तुम्हें ट्राई करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करो और तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट आई कैप क्रॉस विथ ए क्रॉस जे आई कैप, ये वैक्टर ये प्लस जे वैक्टर क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस विथ ए क्रॉस के कैप, ठीक है ना, दिस इज वॉट यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ये इतना से इतना बड़ा जो लिखा है वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास कितना आने वाला है ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, दिस विल गेट ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, कैसे देखते हैं, वेट अ मिनट,
चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इतना पार्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, चल रहा है जस्ट अ मिनट, चलो इसी को ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है। अब देखना ये क्या लिखा है, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, एक दो तीन, अब ब्रैकेट क्या लिखा है, ए और आई कैप के बीच में, तो इन दोनों का इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों का प्लेन में आएगा, बीच में क्या है ए, तो वेक्टर ए माइनस दूसरा वेक्टर आई कैप, तो वेक्टर आई कैप, क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद ए वेक्टर यूज हो गया तो क्या बचे, आई और आई बचे, तो क्या आएगा आई डॉट आई, इधर आई कैप यूज हो गया ये वाला, तो क्या बचे आई और ए, तो ए डॉट आई कैप, गेटिंग इट, समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट था, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। तो सिंपल अगर फॉर्मूला याद है जैसे मैंने तुम्हें याद करवाया है तो यू कैन यू विल गेट इट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलो इसको सिंपल सिंपली इसको लिख लेते हैं, वैसे तो सिमेट्री से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आई और बस बेसिकली इधर आई है तो इधर जे और कोई अंतर नहीं है ठीक है ना, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्या आएगा, प्लस जे डॉट जे टाइम्स वेक्टर ए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बाकी तुम ऐसे लिख सकते हो ए डॉट जे कैप टाइम्स वेक्टर जे, एंड लास्टली दिस इज के कैप डॉट के कैप टाइम्स वेक्टर ए माइनस ए डॉट के कैप टाइम्स वेक्टर के कैप, दिस इज व्हाट वी गॉट इट, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। अभी भी थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई कैप डॉट आई कैप इज वन, ये वन हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना, मैं इसको यहीं रिमूव कर रहा हूँ। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज अगेन वन, एंड लास्टली के कैप डॉट के कैप इज अगेन वन, सो यू गेटिंग समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस ए ए ए, ऐड कर दो तो व्हाट यू विल गेट, थ्री टाइम्स वेक्टर ए। अब मज़ेदार चीज़ है, अब देखो क्या बन रही है हमारी, क्या बन रहा है ए डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस ए डॉट के कैप टाइम्स के कैप। नाउ यू नो व्हाट इज दिस ए डॉट आई कैप, क्या होता है, अगर मैंने वेक्टर ए को अगर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप बोला, देन दिस इज नथिंग बट माई ए वन, और ये क्या होता है ए टू, प्रोजेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड दिस इज प्रोजेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस ए थ्री। तो बेसिकली ब्रैकेट में क्या लिखा है, वेक्टर ए ही लिखा है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, तो थ्री ए माइनस वेक्टर ए, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। तो वो कैसे देगा प्रूफ दैट के ना फॉर्म में, जैसे मान लो मेंस में क्वेश्चन आता है तो ही विल पुट योर लैम्डा, वो क्या बोलेगा फाइंड लैम्डा, देन माय आंसर विल बी लैम्डा इक्वल्स टू, अभी तो मैंने प्रूफ दैट के फॉर्म में लिखवाया तो ऐसे कॉपी करो ठीक है। बाकी इंटीजर टाइप में वो क्या करेगा, बोल देगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वन टू थ्री फोर, देन टू इज करेक्ट ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें। सी है ना, खुद से ट्राई करना है ये भी ठीक है ना। इफ आई कैप क्रॉस ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस जे क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ब्रैकेट में ए माइनस के कैप क्रॉस जे कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप क्रॉस विथ ब्रैकेट में ए माइनस आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो, उसने बोल दिया कि लेट से दिस इज जीरो, देन फाइंड द वेक्टर ए, देन फाइंड वेक्टर ए, देन फाइंड वेक्टर ए ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, तुम लोग पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं बताता हूँ, पहले एक ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसी के आधार पे लिख देंगे ठीक है ना, सिमेट्री से भी लिख सकते हैं। चलो तो ये क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, जिसमें पहला वेक्टर है आई कैप, दूसरा है ए माइनस जे और तीसरा है आई कैप। तो कैसे लिखते हैं, बीच में कौन सा है ए माइनस आई, तो ए माइनस सॉरी ए माइनस जे ये ब्रैकेट में माइनस और दूसरा ब्रैकेट ये आई कैप है, तो ये लिखा आई कैप ठीक है। ठीक है अब ए डॉट ए ये वाला वेक्टर यूज हो गया तो इधर क्या आएगा, बचे हुए का डॉट, तो बचे हुए आई और आई, तो इधर आएगा आई डॉट आई कैप, और इधर मेरा क्या यूज हो गया आई कैप यूज हो गया, तो बचे हुए ये दोनों वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट, तो आई डॉट विद ए माइनस जे। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बचे हुए तुम लोग करना, इज इक्वल टू आई डॉट आई इज वन, तो ये क्या बना ए माइनस जे, ए माइनस जे माइनस, अब देखना इधर इंटरेस्टिंग चीज है, एक मिनट
ठीक है, ये देखना इतना है, ये ऐसा ऐसा इस टाइप का सिनेरियो है। तो देखो ये एक स्केलर नंबर है आई डॉट, तो इसको मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ए डॉट आई माइनस आई डॉट जे विच इज जीरो, तो ए डॉट आई बचा और इधर आई कैप लिखा है, तो फाइनली आई एम गेटिंग ए माइनस आई कैप, सॉरी ए डॉट आई कैप इनटू वेक्टर आई कैप, गेटिंग इट, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वन। तो सिमेट्री से ये बोल सकते हैं ये क्या आने वाला है, सिमेट्री से ये क्या आएगा, इसे ए माइनस जे इधर लिखा था तो इधर ए माइनस जे आया, तो इधर ए माइनस के कैप आएगा माइनस, इधर मेरा क्या आया था ये ए का डॉट आएगा और इधर मेरा आएगा एक मिनट ए माइनस, अच्छा हाँ, और के का के कैप आएगा, तो ए डॉट के कैप इंटू के कैप, दैट यू कैन सी सिमेट्री से ही बोल सकता हूँ, अदरवाइज तुम इसको अगेन कर लो, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज टू वेक्टर, दिस थर्ड वेक्टर, जैसे अपने इधर लिखा वैसे कर लो, अदरवाइज सिमेट्री से ही बोल सकते हैं। एंड लास्टली ये इक्वल टू नहीं है, प्लस है, मतलब प्लस प्लस, एंड लास्टली दिस ऑल्सो, इधर ए माइनस आई है तो इधर आएगा ए माइनस आई कैप और इधर आएगा ए डॉट जे कैप इंटू जे कैप। नाउ एड दीज थिंग्स, और कुछ नहीं, तो देखो क्या आ रहा है, ए ए ए थ्री ए थ्री ए माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो माइनस साइन ब्रैकेट लिख लेता हूँ, आई प्लस जे प्लस के, और देखो ध्यान से ये क्या लिखा है, माइनस टाइम्स जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था वही लिखा है, ये ए वन आई कैप ए टू जे कैप, सॉरी ए वन आई कैप, इधर मैंने इधर गलत लिख दिया, ये दिस इज जे कैप, तो ए वन आई कैप दिस इज ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, दैट इज नथिंग बट वैक्टर ए ओनली, तो इधर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वैक्टर ए एंड दिस इज गिवन एज जीरो, तो थ्री ए माइनस ए टू ए, तो टू टाइम्स वैक्टर ए माइनस आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू जीरो, एंड लास्टली वी आर गेटिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाई टू, सो दिस इज वॉट माई आंसर वेक्टर ए इज। तो अच्छा क्वेश्चन है मेन्स के लिए, ठीक है ना, और अगर वो और ईजी कब होगा, जब तुम्हें वो तरीका पता होगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, और जो मैंने बताया तरीका हाउ टू मेमोराइज इट, ठीक है ना, वैसे याद रखोगे तो अगेन आई एम सेइंग कब भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉपी कर लो इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखो अब ये एक एक रिजल्ट जो कि मैं तुम्हें उधर छुड़वाया था, मतलब मैंने बोला था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पढ़ लेंगे देन वी विल डू दिस ए बी सी का स्क्वायर, याद है कहाँ लिखवाया था मैंने, जब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला था दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, तो इसका डेरिवेशन तो हमने कर लिया था इसका, अब मुझे इधर क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस पार्ट, टू प्रूव दिस, ठीक है, टू प्रूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, और इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है, अभी तो हम डेरिवेशन देख ही रहे हैं बट मेमोराइज दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, मेमोराइज दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशन यू शुड मेमोराइज दिस, कि बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस है, दीज आर थ्री वेक्टर्स, इन तीनों का बॉक्सेस सिंपली बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके डेरिवेशन पे, तुम लोग करना एक बार, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर दो वेक्टर तीन वेक्टर, तो इन तीनों का बॉक्स क्या होता है, जैसे ए बी सी का बॉक्स क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उसी तरीके से लिख रहा हूँ दिस डॉट विथ दिस क्रॉस दिस, तो दिस वी विल गेट ए क्रॉस बी, इसका डॉट बचे हुए दो वेक्टर्स का क्रॉस, तो बी क्रॉस सी क्रॉस विथ सी क्रॉस ए, यहाँ तक क्लियर है कहानी, ये लिखा है ए की जगह ये आ गया, बी की जगह ये आ गया, सी की जगह ये आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ऑफ ए बी सी। नाउ आज ही लेक्चर में जो पढ़ा हमने उससे वी विल सिंप्लीफाई दिस, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि हम याद नहीं रखते वाली चीज़, मतलब एक मिनट, हाँ वो चीज़ याद नहीं रखते इन जनरल, तो हम क्या करें ऐसे डेरिवेशन ले लेते हैं इसको, ट्रीट कर लेते हैं, तो लेट्स से मैंने इसको वेक्टर डी मान लिया, तो मेरा क्या हो गया ए क्रॉस बी डॉट विथ, ये हो गया बी क्रॉस सी क्रॉस विथ वेक्टर डी, अब बाद में डी को हटा देंगे सी क्रॉस ए से रिप्लेस कर देंगे, ये सी क्रॉस ए लिखा है, तो नाउ दिस इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, एंड बीच में कौन सा है सी वेक्टर, एंड इट विल बी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, सो इधर मेरा लिखा है ए क्रॉस बी डॉट विथ, देखना क्या लिख रहा हूँ, सी बीच में है तो सी
माइनस और इधर वेक्टर बी, ठीक है। अब सी यूज हो गया तो क्या बचा, बी और डी, तो बी डॉट डी। इधर बी यूज हो चुका तो सी डॉट डी, सी डॉट डी। अब मैं क्या करूंगा, डी को उठा के रख दूंगा दोबारा, दैट इज सी क्रॉस ए। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ए क्रॉस बी, इसका डॉट विथ बी डॉट डी, तो बी बी डॉट विथ डी एंड डी इज सी क्रॉस ए। ये तो हो गया वेक्टर सी टाइम्स, मतलब ऐसे लिख लो, माइनस सी डॉट डी, तो सी का डॉट विथ सी क्रॉस ए, ये टाइम्स वेक्टर बी। नाउ यू कैन सी दिस पार्ट इज जीरो, दिस इज व्हाट बॉक्स ऑफ सी सी ए। बॉक्स में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो इट इज जीरो, सो दी वाला पार्ट जीरो हो गया। अब देखना ध्यान से, दिस इज द स्केलर नंबर, ये देख स्केलर लिखा है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये देख स्केलर नंबर है, लेट्स से टू है थ्री है, उसको तो मैं बाहर लिख देता हूँ, तो बी डॉट सी क्रॉस ए। और ये क्या ए क्रॉस बी डॉट विथ सी, तो दैट इज अगेन बॉक्स ए बी सी। और ये भी बेसिकली क्या लिखा है, साइक्लिक ऑर्डर डिफरेंट है, सॉरी साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, बी सी ए सेम सेम एज ए बी सी, तो बॉक्स ए बी सी इंटू बॉक्स ए बी सी, दैट इज नथिंग बट बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। तो दिस इज वॉट माई फाइनल आंसर फॉर दिस, गेटिंग समझ में आया डेरिवेशन। अब क्या करो, तुम्हारा काम है अगेन जितना बोल रहा हूँ उतना करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं अरे सर हो गया अब तो हो ही जाएगा, पॉज करो वीडियो विदाउट देखे बोर्ड पे, एक बार खुद से नोट्स के अंदर ही, जरूरी नहीं रफ में, नोट्स में ही दोबारा एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, टू प्रूव दिस। बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको, ठीक है ना। अगर पहले खुद से करना है, नहीं आता है फिर कॉपी करना है, ठीक है, पहले एक बार खुद से ड्राइव करो, वो कहाँ अटकते हो देखो, चीज़ें ऐसे ही सीखोगे, ठीक है ना। एंड अगेन आई एम सेइंग वेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले 3D वो पूरा वेक्टर पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो लिखो ना, प्रूव दैट बी क्रॉस सी डॉट विथ ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट विथ बी क्रॉस डी प्लस A cross B dot with C cross D. You have to prove that it is equal to zero. या फिर ऐसे बोल दो, find the value of this expression, then answer will be zero. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, just application of formula जो आज हमने पढ़ा, एक formula लगाना है, your answer will be at the board. कैसे? देखो, again, ये आज की क्लास में पढ़ा था, कैसे बोला था? पहले दोनों वेक्टर का पहला वेक्टर, दोनों ब्रैकेट्स का पहला वेक्टर का डॉट, तो बी और ए है तो ए डॉट बी, फिर बचा हुआ कौन सी डॉट डी, माइनस फिर अब एक्सट्रीम वाला तो बी डॉट डी इनटू बीच वाले सी डॉट ए, ठीक है। अब इसको इसी तरीके से इसको कर लेते हैं, तो पहले हर एक ब्रैकेट का पहला वाला तो सी और बी, तो बी डॉट सी, बचा हुआ कौन है ए और डी, तो ए डॉट डी, माइनस अब एक्सट्रीम वाले तो सी डॉट डी इनटू ए डॉट बी, लास्टली दिस अगेन दोनों ब्रैकेट का पहला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट सी फिर बी डॉट डी, माइनस फिर एक्सट्रीम वाले तो ए डॉट डी इनटू बी डॉट सी, गेटिंग इट। नाउ कैन यू सी हर एक टर्म कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, देखते हैं, सी हियर ए डॉट बी सी डॉट डी पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, ए डॉट डी बी डॉट सी, ए डॉट डी बी डॉट सी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बी डॉट डी ए डॉट सी बी डॉट डी सी डॉट ए, तो दिस कैंसिल, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग आर्य भट्ट जीरो, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना, ठीक है। इफ बी एंड सी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इफ B and vector C are two non-collinear vectors such that A is parallel to B cross C, then prove that we have to prove that A cross B dot with A cross C is equal to mod of A square into B dot C. Again, this is what we have to prove. एक मिनट देख लेता हूँ, A B A cross B dot A cross C. ठीक है, चलें।
चलो तो वीडियो पॉज करो एक बार, फिर से ट्राई करो। अब मैं लिख लेता हूँ, तो उसने क्या लिखा है, बी एन सी आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, अच्छी बात है। ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, तो ए अगर बी क्रॉस सी के पैरेलल है, ए अगर बी क्रॉस सी के पैरेलल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, कैन आई राइट इट दिस वे। ए अगर बी क्रॉस सी के पैरेलल है तो ए एंड बी क्रॉस सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो वी कैन राइट वन एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो ए है वो मेरा परपेंडिकुलर है बी के, और ए जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है सी के। इसको इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। देखते हैं जरूरत पड़ती है कि नहीं, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे ना। इसको देखते हैं, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब मैं इसको, चलो तो मैं अभी जो हमने देखा था दोनों ब्रैकेट्स का पहला वेक्टर ले लेता हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ए डॉट ए इनटू बचा हुआ वेक्टर बी डॉट सी, माइनस फिर बाजू वाले वेक्टर्स कॉर्नर वाले, तो ए डॉट सी, ए डॉट सी इनटू ए डॉट बी। नाउ ए डॉट बी एंड ए डॉट सी आर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। व्हाट यू आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग ओनली, एक लाइन का प्रूफ, ठीक है ना। मेरे को लगा शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक ही लाइन में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, सिंपल वही वाला प्रूफ है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते रहना। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 3 यूनिट्स, फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ थ्री यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 2i cap minus 3k cap, ठीक है। सो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फाइनली क्या है दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योर ओन। 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 114 और ब्रैकेट में माइनस 7i cap प्लस 8j cap, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, माइनस k cap, सिंप्लीफाई तुम लोगों पर है, बहुत ही वही डायरेक्ट एप्लीकेशन है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का। उसने क्या बोला कि एक वेक्टर है मुझे 3 यूनिट्स का चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के प्लेन में, तो लेट्स से ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो उसने क्या पूछा बेसिकली, सिंपली ही हैव टोल्ड मी टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज द वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, एंड अब मुझे जनरलाइज करना है, तो पहले तो क्या करो, तुम इसको यूनिट वेक्टर बना लो, इसको यूनिट वेक्टर पहले तो ये निकाल लोगे, आई होप ये तो निकाल ही लोगे, डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब कितना चाहिए, 3 यूनिट चाहिए, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज माई आंसर। नाउ यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। अच्छा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का निकालने के भी दो तरीके हैं, देखना कैसे, चलो बता देता हूँ। एक तरीका तो क्या है, डायरेक्टली बी, पहले बी क्रॉस सी निकालो डिटर्मिनेंट के मेथड से, फिर एक वैक्टर आ जाएगा, फिर दोबारा वो वैक्टर और ए का क्रॉस ले लो, अगेन यूजिंग डिटर्मिनेंट, या फिर इस ऊपर वाले ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कैसे भी तो लिख सकते हैं, बीच में वी है तो बी बचे हुए ए डॉट सी माइनस, फिर उधर सी लिखूंगा तो ए डॉट बी टाइम्स वेक्टर सी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का ही मैग्नीट्यूड इनटू 3। ऐसे करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट लेना आसान होता है एज कम्पेयर टू टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट मुझे दो बार लेना है, पहले बी क्रॉस सी का लेना यूजिंग दैट डिटर्मिनेंट मेथड, फिर वो जो वेक्टर आएगा उसका दोबारा ए के साथ क्रॉस लेना, तो दैट इज लेंथी, तो बेटर है कि इससे करेंगे। बट तुम लोगों को दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू डू इट बोथ द मेथड्स एंड दोनों से देखना क्या आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेना इसको, इस टाइप का क्वेश्चन ही मेंस में आया है पहले, ठीक है ना, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन इन द शीट आल्सो। एक वेक्टर निकालना है जो बीओसी के परपेंडिकुलर, बीओसी के प्लेन में ए के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली आंसर इज ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, ठीक है। चलो आगे, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर
यूनिट वेक्टर्स वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट टू कॉमा बी एंड सी आर नॉन पैरेलल बी एंड सी वेक्टर आर नॉन पैरेलल then prove that the angle between a and b is 3π/4 a and b is 3π/4 simple question hai direct application of vector triple product to karte hai isko pehle tum log video pause karke try karo theek hai to let's say is equation ko le leta hu mother equation parent equation jo bhi bolna hai to a cross b cross c ko main kya likhunga it is in the plane of b and c एंड परपेंडिकुलर टू ए तो बीच में क्या है बी तो बी फिर लिखूंगा इधर ए डॉट सी माइनस फिर सी लिखूंगा तो इधर क्या आएगा ए डॉट बी इंटू वैक्टर सी इसने देखा है दिस इज बी बाय रूट टू प्लस इसको सेपरेटली करके लिख दिया सी बाय रूट टू नाउ व्हाट अब हमें क्या निकालना ए और बी के बीच में निकलना तो वी वांट अब मैंने बोला कि ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है अगर सुनना ध्यान से अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है ऑफकोर्स वो एक ही प्लेन में नहीं है दैट दिस इंप्लाइज व्हाट इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर उठाओ ऑफ कोर्स दीस दोस टू वेक्टर शुड बी नॉन कोलिनियर मैंने बोला अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ए बी सी उनमें से कोई भी दो वेक्टर उठाओ तो ऑफ कोर्स वो नॉन क्या बोलते हैं कोलिनियर तो नहीं होंगे बिकॉज अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो अल्टीमेटली तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे दैट मींस व्हाट कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो इनमें से मैं कोई भी दो वेक्टर उठाऊं डेफिनेटली दोस टू विल बी नॉन कोलिनियर तो अब मैं क्या करूं अब मुझे पता है बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर मुझे पता नॉन कोलिनियर है बी ओ सी आई कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स याद है पहले इधर बी ओ सी का कुछ कॉम्बिनेशन लिखा है बी ओ सी का इधर कॉम्बिनेशन लिखा है और हम क्या कर सकते हैं अगर बी ओ सी नॉन कोलिनियर वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स तो मुझे ए डॉट बी से मतलब है तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सी तो बस हमने कोफिशिएंट ऑफ सी इक्वेट कर दिया दोनों साइड तो इधर क्या आएगा सी का कोफिशिएंट माइनस ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 अब ए और बी क्या है मेरे यूनिट वेक्टर्स है तो इस ए डॉट बी को क्या लिखूंगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा तो माइनस मॉड ए और यूनिट वेक्टर से तो मॉड ए इज 1 मॉड बी इज 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 तो यहां से क्या मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 अब कॉस थीटा -1/√2 का होता है 3π/4 पे बिकॉज मुझे तो थीटा वही लेना है ना 0 टू पाई के बीच का तो 0 टू पाई के बीच में कॉस थीटा इज नेगेटिव वंस दैट इज सॉरी नेगेटिव -1/√2 इज वंस एंड दैट इज फॉर द एंगल 3π/4 दैट यू कैन सी विद डायग्राम ऑल्सो ग्राफ से ये मेरा ऐसा कुछ तो ग्राफ होता है ठीक है ना इस टाइप का ग्राफ होता है जीरो से पाई के लिए तो यू कैन सी ये होगा -1/√2 टाइप चीज तो ये हमें इस एंगल के लिए मिलेगा एंड दिस एंगल इज 3π/4 गेटिंग इट क्लियर हुआ चलो तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क के लिए दे देता हूँ उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं ठीक है और अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूँ दे ऑल आर ऑफ गुड लेवल ठीक है अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इजी नहीं है एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और बाकी व्हाट्सएप कर दूंगा मैं ठीक है देखो पहला तो डायग्राम बनाना है तुम्हें मैंने लिखा दिस इज द डायग्राम प्रॉपर एरो के साथ बनाना एरो वगैरह भी मिस्टेक मत करना अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा जैसे मैंने इधर ऊपर की तरफ एरो दिया है इसको वेक्टर बोला डब्ल्यू दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज माय इंसिडेंट रे ठीक है ना ये सरफेस है मेरी और ये मेरा वेक्टर वी है और ये वेक्टर मेरा वेक्टर ए है ठीक है डायरेक्शन देखना वी इधर है ए ऊपर डब्ल्यू भी ऊपर देन फाइंड वेक्टर डब्ल्यू या डब्ल्यू कैप मतलब डब्ल्यू कैप इन टर्म्स ऑफ वी कैप एंड ए कैप मतलब डब्ल्यू कैप वेक्टर निकालना मुझे इन टर्म्स ऑफ वी कैप एंड ए कैप ऑफ कोर्स दिस डब्ल्यू कैप वी कैप एंड ए कैप आर यूनिट वेक्टर्स ठीक है नेक्स्ट इज टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर मैं चेंज कर लेता हूं टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर रूट थ्री टाइम्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं मतलब ये सारे ही क्वेश्चन जो है ना अभी जो मैं देखने वाला हूँ दे ऑल आर ऑफ वेरी गुड लेवल एडवांस लेवल के देखते हैं तुम में से कौन करता है वेक्टर बी माइनस ए कैप डॉट
और प्रॉपरली लिखना, जहां मैं कैप लगा रहा हूं मतलब वो यूनिट वेक्टर है, इंटाइस वेक्टर ए कैप, बी इज नॉन जीरो, वेक्टर बी इज नॉन जीरो, नॉन जीरो एंड ए कैप इज यूनिट वेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, ए कैप इज यूनिट वेक्टर. देन फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट, ए कैप बी कैप ऐसे लिख लो, वेक्टर ए वेक्टर बी, दिस इज पाई बाय सिक्स. इसका नोट, ये नोटेशन कहाँ बताया था मैंने, ये कैसे रीड करते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय सिक्स कॉमा एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय फोर एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए इज पाई बाय थ्री. देन फाइंड एंगल बिटवीन ए, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड प्लेन ऑफ बी एंड वेक्टर सी. ठीक है ना, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी बाय थ्री प्लस सी बाय टू, वेक्टर्स हैं ए बी सी, एंड बी क्रॉस विथ सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस सी बाय टू. ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पेयर वाइज यूनिट वेक्टर्स, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर पेयर वाइज यूनिट वेक्टर, मतलब कोई भी दो उठाए नॉन कोलिनियर होंगे, पेयर वाइज यूनिट वेक्टर. देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय ए बी सी इज डैश, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ऑल द फोर क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एडवांस आल्सो. ठीक है ना, तो देखते हैं चारों में से कितने तुम लोगों के सही होते हैं, एंड इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.